नमस्कार दोस्तों, बदला से बॉक्स ऑफिस पर चलेगा अमिताभ बच्चन का जादू। अमिताभ बच्चन भले खुद को सदी का महानायक घोषित करने वाले बीबीसी के ऑनलाइन पोल को कंप्यूटर की गलती बताकर इसे तमगे की बात मुस्कुराकर टाल देते हो, लेकिन अमिताभ बच्चन का ये तमगा उनकी अपनी मेहनत और खुद को समय के लिए लगातार बदलते रहने की कोशिशों के चलते उनके चाहने वालों ने उन्हें दिया है। अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए इस सीजन का नया तोहफा तैयार है। निर्देशक सुजाय घोष की फिल्म बदला, जो स्पेन की फिल्म का रिमेक है, बदला का जो ट्रेलर है वो ये बताता है कि अमिताभ बच्चन की आवाज और उनकी शख्सियत का करिश्मा फिर से बड़े पर्दे पर चमकने वाला है। फिरंगी के चक्कर में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का आजाद भले ही मात खा गया हो, लेकिन इस बार फोकस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर गुप्ता पर रहने वाला है। ट्रेलर शुरू होता है अमिताभ बच्चन की सर्द आवाज में बोले गए संवाद से। बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। बैकग्राउंड म्यूजिक और बहुत ही चुस्त एडिटिंग से बना 2 मिनट 31 सेकंड का ये पूरा ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हर 30 सेकंड के बाद अमिताभ बच्चन का एक धांसू डायलॉग है। तापसी पन्नू के किरदार की शादीशुदा जिंदगी में एक कत्ल का तूफान आया हुआ है और इसी को सुलझाने में लगा है अमिताभ बच्चन का किरदार। जीरो बनाकर करोड़ों का घाटा उठा चुके शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इस बार विद्या बालन की फिल्म कहानी से हिंदी सिनेमा में थ्रिलर का नया चेहरा पेश करने वाले निर्देशक सुजाय घोष पर दाव खेला है। ट्रेलर में एक दमदार थ्रिलर के सारे तत्व शामिल है। अगर फिल्म भी ऐसे ही चुस्त और दुरुस्त हुई तो अगले महीने ये बॉक्स ऑफिस पर जो जादू चलेगा बदले का, ये कम नहीं होने वाला है। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनका अपने आप में जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो हमेशा निभाते हैं हर एक फिल्म में, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप में कमाल की बात है। अगर मैं तापसी और अमिताभ बच्चन दोनों की बात करूं तो इनको पिछली बार देखा गया था पिंक मूवी में, और वो एक ऐसी मूवी बन गई थी जिसको अब तक लोग देखना पसंद करते हैं, और उसमें जो इन दोनों के किरदार थे या फिर रोल थे, जो डायलॉग्स थे, उस चीज को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, और शायद वही धमाल ये दोनों फिर से मचाने वाले हैं बदला में। तो देखा जाएगा कि ये जो ट्रेलर है वो इतना ज्यादा धांसू, इतना ज्यादा अच्छा है और लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया, कुछ ही समय में इतने सारे व्यूज मिल गए इस पूरे ट्रेलर को। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। अगर आपको भी ये ट्रेलर सच में बहुत अच्छा लगा और आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेलर जब इतना ज्यादा अच्छा है तो फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी होगी, अगर आपको भी ये सारी चीजें, आप लोग भी एक्साइटेड हैं बदला के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।